विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी के तहत सक्रिय होती नजर आ रही हैं। इसी के चलते शमशाबाद नगर में कांग्रेस ने नगर के व्यापारी और मतदाताओं के सम्मेलन का आयोजन कर पार्टी की गतिविधियों की जानकारी दी, साथ ही व्यापारियों से संवाद कर व्यापार में आ रही परेशानी पर चर्चा की, साथ ही व्यापार बढ़ाने पर सुझाव मांगे। वहीं मतदाताओं से आने वाले चुनाव में कांग्रेस पर भरोसा जताकर अपना मत देने की अपील की। पूर्व विधायक डॉक्टर मेहताब सिंह ने नगर में बाईपास रोड निर्माण को लेकर बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल पिछले कई चुनावों में कांग्रेस की विधानसभा में लगातार हो रही हार के चलते कांग्रेस के व्यापारी व मतदाताओं से मुलाकात कर हार के कारणों का और कांग्रेस को मत न देने के कारणों का पता लगाने व मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की, ताकि आने वाले चुनाव में फिर हार का मुंह न देखना पड़े। लेकर व्यापारियों का और मतदाताओं का कार्यक्रम रखा। देखिए, विगत 10 वर्ष में दोनों विधानसभा हम यहाँ पे कांग्रेस में बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, और इसका कारण मतलब ये शमशाबाद जो हमारा क्षेत्र है इससे हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आज ये कार्यक्रम सिर्फ उनके व्यापारी वर्ग को इसलिए हमने अप्रोच करा क्योंकि ये सेंटर में है, ये एपी सेंटर है शमशाबाद का, और इसके आसपास गांव में ही हम लोग माइनस होते हैं, कांग्रेस वोट अधिकतर यहाँ से थोड़ा कम रहता है। तो उनसे इस बात की जानकारी और परस्पर एक संवाद बनाने की कोशिश करी थी कि क्या मुख्य कारण है जिससे कि कांग्रेस यहाँ से पिछड़ती है, और हम इसमें क्या नया अपनी तरफ से और जोड़ सकते हैं, या उनकी कुछ मांगे हैं जिनको कि हम आगे अपने नज़र में रखें जब कांग्रेस चुनाव से यहाँ पे उतरे, और उनके बेहतरी के लिए हम और क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनको सेटिस्फाई करके यहाँ से। अगर मैं बाईपास निर्माण को लेकर आप क्या मानते हैं? बाईपास होना बहुत आवश्यक है शमशाबाद के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए या निवासियों के लिए। लेकिन जैसा कि मैं पिछले कई निर्माणकारी विकास कार्यों में यहाँ देख चुका हूँ, शुरुआत तो कर ली जाती है लेकिन कार्य पूर्ण नहीं किया जाता। तो ऐसी स्थिति मुझे उम्मीद है कि मिट्टी और मुरम का काम जिसमें कि ठेकेदार को फ़ायदा होता है, क्योंकि मिट्टी वहीं डैम से निकाली और सड़क पर डाल दी, और जो गड्ढा हो ना उसको तालाब गहरा करना दिखा दिया, वहाँ भी पैसा निकाल दिया, यहाँ भी पैसा निकाल दिया। तो जो डबल अमाउंट जो वो लोग जो ठेकेदारी का काम करेंगे या जो सुपरविजन कर रहे हैं वो पॉलिटिकली, वो लोग पैसा कमाएंगे, ये उनकी फिजरलता होगा भी यही। जब गिट्टी का काम आएगा तो ये काम डिले हो जाएगा। तो बाईपास नगर में नहीं बन रहा, स्वीकृत हुआ है, प्रोजेक्ट बनी है, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूर्ण कब होगा इसकी गारंटी हमें कहीं दिखाई देती है। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।